एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई एन वेव के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी डेंसिटीज होती हैं, दो होती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होती है और मैग्नेटिक भी होती है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी क्या है, तो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट्स में कर रखा है फॉर्मूला हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अगर मैं ये पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी क्या है, तो हाफ इंटू बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ गया और मैग्नेटिक में भी आ गया। अब मैं पूछूं टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या है, किसकी, ई एम वेव की, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड। तो दोनों को ऐड करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट। तो टोटल ई एम वेव की एनर्जी डेंसिटी इसके इक्वल है और ये एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम है, ऑब्वियसली मैक्सिमम की जगह सॉरी ये बोलूंगा ई और बी की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। ई क्योंकि साइनोसाइडली वैल्यू को चेंज कर रहा है, बी भी साइनोसाइडली अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो सबको मालूम है कि ई अपनी वैल्यू को कुछ भी रख सकता है, ई ज़्यादा कम चेंज हो रहा है, बी भी ज़्यादा कम चेंज हो रहा है, तो जितना ई होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली बी निकालना पड़ेगा सी इज इक्वल टू ई अपॉन बी करके। अब प्रॉब्लम ये है ई और बी तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के हिसाब से चेंज होते जा रहे हैं, तो हम इन एनर्जी डेंसिटीज को कभी कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। जैसे एसी में था, एसी में क्या प्रॉब्लम थी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसको सॉल्व कौन करे, क्योंकि हर चीज़ तो इंस्टेंटेनियस थी। तो इसकी जगह हमने क्या सोल्यूशन निकाला था, आरएमएस। इसमें भी यही करेंगे, हम ये काम नहीं कर पाएंगे इंस्टेंटेनियस, हम ई की जगह रिप्लेस करेंगे ई आरएमएस, हम बी की जगह रिप्लेस करेंगे बी आरएमएस। तो ये जो टर्म बनेगी अब मेरी क्या एनर्जी कहलाएगी, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है, पर अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ये रहा, क्योंकि मैंने आरएमएस वैल्यू को यूज़ कर लिया। और नॉर्मली जो क्वेश्चन चलते हैं वो एवरेज पे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस पे चलते नहीं हैं। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ई एम वेव की इसके इक्वल आ गई। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ई आरएमएस की जगह पुट कर सकते हो ई नॉट बाई रूट टू, बी आरएमएस की जगह पुट कर सकते हो बी नॉट बाई रूट टू, तो आपके पास सॉल्व करके ये एनर्जी डेंसिटीज आ गई। तो एनर्जी डेंसिटी आ गई किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बस फर्क ये है, ये ई नॉट बी नॉट की फॉर्म में है और ये ई आर एम एस और बी आर एम एस की फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके अंदर आगे का ये पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम कर चुके लास्ट लेक्चर में। अगर आपको याद हो ये एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, और हमने लास्ट टाइम ये एक रिजल्ट ड्राइव किया था कि प्रूफ करो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रखती है, आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक है आधी मैग्नेटिक है, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो इसके इक्वल आएगा और ये मैग्नीट्यूड इसके इक्वल आएगा, ये प्रूफ करो। ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने नहीं करना, हमें ऑलरेडी पता है कि आधी इलेक्ट्रिक आधी मैग्नेटिक है, हमें ऑलरेडी पता है कि ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड एकदम बराबर है, हमें करने की जरूरत नहीं है प्रूफ। तो इसके अंदर हमने क्या किया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू ये हमने निकाली, ये कुछ याद नहीं करना आपने, एंड में लिखाऊंगा आपने क्या करना है, देखते जाओ सिर्फ। तो ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी है। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, क्योंकि इसका और इसका मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम है सेम आएगा, तो इसकी जगह क्यों ना यही रिप्लेस कर दे, तो ये लो ये आ गया, इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ गया। यहाँ से क्या आएगा, ई नॉट बाई रूट टू क्या होता है, ई आर एम एस, तो ई आर एम एस की फॉर्म में ये आ गया। तो ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, मतलब ये लिख लो दोनों मिला के, या अकेला ये लिख लो या अकेला ये लिख लो, आंसर सेम है। उसी तरीके से फिर से ये फॉर्मूला लिखो, इस बार ये टर्म इसमें रिप्लेस कर दो, दो बार करोगे तो ये टर्म आएगी, और बी नॉट को लिखोगे रूट टू इंटू बी आर एम एस, तो ये टर्म आएगी। तो यानी कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी या तो ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो या फिर ये लिखो या ये लिखो, सारे आंसर एग्जैक्टली एक ही आएंगे, कन्वर्जन तो कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो कैसे इनको फॉर्मूला में यूज़ करना है वो भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा अभी करके, फॉर्मूला में कैसे इसकी एप्लीकेशन है वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है?